तात्कालीन कारण है। मैंने कहा ना कि जब राजेश रंजन पप्पू यादव जो 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 मेरी अध्यक्षता काल में मुख्य मुद्दा था मेरा विरोध का, अगर उन्हीं का महिमा मंडन होता हो तो मेरे जैसे कार्यकर्ताओं का कांग्रेस से बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। एक मेरा डरपोक सिपाही रणछोर सिंह निकला तो कांग्रेस के सिपाही को छोड़ के दूसरे दल से बाहों बलियों को लाके टिकट देने का प्रयास किया। क्या लगता है बिहार में लालू और पप्पू के चप्पू के सहारे कांग्रेस बेहतर नहीं पार करेगी? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से जो सियासत गर्म है हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, मगर पप्पू यादव के कांग्रेस में जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से। कहा है पप्पू यादव का जिस तरीके से महिमा मंडल हो रहा है कहीं से स्वीकार नहीं है। सोनिया गांधी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव को भी खूब सुना रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने खूब सुनाया है अनिल शर्मा को। पप्पू यादव के लिए अब कांग्रेस खड़ी हो चुकी है, अनिल शर्मा को खूब सुना रही है, कह रही है हमारे पार्टी के डरपोक सिपाही रणछोड़ सिंह नाम रख दिया है कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने। राजेश राठौर ने बहुत कुछ कह दिया है अनिल शर्मा को। सबसे पहले आप अनिल शर्मा को सुनिए, पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, पप्पू यादव से इतनी नाराजगी क्यों कि पार्टी से इस्तीफा दे दिया, और दूसरी तरफ राजेश राठौर को सुनिए, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं, किस तरीके से पप्पू यादव को लेकर जब अनिल शर्मा ने पार्टी छोड़ा तो जमकर सुना दिया है। पार्टी में कोई व्यक्ति पटना से लेकर दिल्ली तक नहीं मिलेगा आपको जो कहे कि अनिल शर्मा ने मेरे पास MLC बनने के लिए कभी कोई अप्रोच किया, रिक्वेस्ट किया या राज्यसभा की सदस्यता के लिए रिक्वेस्ट किया। मैंने कभी नहीं किया है, हम सार्वजनिक रूप से कह सकते हैं आई हैव नॉट अप्रोच। मैं शुद्ध रूप से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। आप देखिए हमने अभी दे रहे हैं, जो आदमी 39 वर्षों में सिर्फ 4 साल पार्टी के पद पर रहा हो, वह अगर अवसरवादी होता, पद के पीछे रहता, तो लाजमी तौर पर 4 ही साल रहेगा। मैं तो 2 साल पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा 1998 to 2000, और 21 महीने के लिए पार्टी का प्रेसिडेंट रहा, 39 साल में मात्र 4 साल। तो इसलिए मेरे ऊपर यह नहीं कह सकते कि मैं कोई पद के कोई असुविधा के कारण, कोई निजी हित के टकराव के कारण ऐसी बात कह रहा हूँ, मेरा उससे मतलब नहीं है। तात्कालीन कारण है, मैंने कहा ना कि जब राजेश रंजन पप्पू यादव जो 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 मेरी अध्यक्षता काल में मुख्य मुद्दा था मेरा विरोध का, अगर उन्हीं का महिमा मंडन होता हो तो मेरे जैसे कार्यकर्ताओं का कांग्रेस से बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। पप्पू यादव के कारण आपने पार्टी छोड़ दी? बिल्कुल, वह भी कारण है। हाँ जी, जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे तो आपने सदाकत आश्रम में साधु यादव को चांदी का मुकुट पहनाया था, क्या वे दूर के दूर थे? साधु यादव को चांदी का मुकुट मैंने नहीं पहनाया था, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं, अध्यक्षता का कोई स्वाभाविक है, अध्यक्षता काल में कोई और किसी को भी पहनाता है, लेकिन उस समय अगर मैंने साधु यादव को ज्वाइन कराया था तो लाजमी तौर पर वह एक युद्ध की स्थिति थी, वार का सिचुएशन था। लालू यादव जी ने चैलेंज किया था कांग्रेस को कि कांग्रेस की जो हैसियत थी वो मैंने दे दिया, और सोनिया गांधी का क्या है बिहार में, तो लाजमी तौर पर मैं भी राजनीति करता हूँ। साम दाम दंड भेद का उपयोग आवश्यक है, और उस समय लालू जी जिस तरह से शाहनशाह बने हुए थे, उस समय साम मतलब मिन्नत से वो नहीं मारने वाले थे, दाम का मतलब उनको खरीदने का भी कोई मामला नहीं था, दंड का मतलब उनको कोई दंडित भी हम नहीं कर सकते थे, तो लाजमी तौर पर हमने भेद किया, उनकी पार्टी को तोड़ा। उसमें उनके साथ जितने लोग आए, पप्पू साधु यादव आए और लोग आए, उनको मैंने लिया था। ऐसा है ना कि कई बार कई समस्याएं रहती हैं, और जब बहुत एक्यूट हो जाता है तब कोई स्टेप लेता है, और इश्यूज तो रहता है, लेकिन स्टेप्स लेने का कोई एक्यूट सिचुएशन जब आता है तभी स्टेप लेता है, तभी मैंने लिया है। कि हाल में किनको महिमामंडित किया गया भाई, तो पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी को इस तरह से AICC के मंच पर महिमामंडित किया गया
जैसे लगता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है उनका और उनको कांग्रेस सम्मान दे रही है। आप समझिए करती करनी में क्या फर्क है। ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस के युवा के प्रभारी बने राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी जी ने नियम बनाया कि जिसके ऊपर चार्जशीट होगा वह यूथ कांग्रेस के किसी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा। और बिहार में एक संजीव सिंह जो इलेक्ट हो गया ऑलरेडी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट की हैसियत में, लेकिन उसके ऊपर पुराना कोई चार्जशीट एक था, देन ही वॉज नॉट अलाउड टू टेक ओवर द प्रेसिडेंसी। और वहाँ पर कितने केसेस हैं नहीं है पप्पू यादव जी के ऊपर, वो तो लोगों का जानना है। लेकिन मैं अपने कार्यकाल में निश्चित रूप से उस समय के प्रभारी जगदीश टाइटलर जी उनको पार्टी में एंट्री देना चाहते थे, मैंने प्रतिकार किया था, विरोध किया था। और उस समय अपने कार्यकाल तक तो उनकी एंट्री मैंने नहीं होने दी थी। अब अगर पप्पू यादव, हमने तो ट्वीट भी किया था कि अब लगता है बिहार में लालू और पप्पू के चप्पू के सहारे कांग्रेस बैतरनी पार करेगी। अगर ऐसा ही है तो इसका मतलब मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के सेंसिबल लोग हैं, सचमुच सेकुलर जहन के लोग हैं, समझदार लोग हैं, चाहते हैं कि बेहतर राजनीति पार्टी करें, उसके लिए तो बहुत असह्य स्थिति हो गई है, बिल्कुल असहनीय हो गई है। और इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलाया कि सचमुच एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते जो मैं महसूस करता हूँ वो बात आपके माध्यम से मैं लोगों के बीच में पहुँचाऊँ, जो 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 रियलिटी है, जो सच्चाई है। और इसीलिए मैंने किया है। और मैं अपनी बात इस बात से समाप्त करता हूँ कि मैंने इस फीलिंग के साथ आदरणीय खड़गे जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा का पत्र भेज दिया है। आई हैव रिजाइंड फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस हेंसफोर्थ। आज एक मेरा डरपोक सिपाही रणछोड़ सिंह निकला, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, जिनको कांग्रेस ने इतना सम्मान दिया कि 2000 में उनको पटना अवस्थित एक विधानसभा से कांग्रेस की टिकट दी। वोट कितना आया तो मात्र 3000। वैसे अनिल शर्मा जी को कई पदों पे कांग्रेस पार्टी ने रखा, संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, प्रदेश में सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष। उतना ही नहीं, बिहार कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो किसी सदन के सदस्य नहीं रहे हों उसको प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई, जिसका नाम अनिल शर्मा था। आज जब प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली तो बौखला गए। और 2009 में जब लोकसभा के 400 सीट बांटने की बारी आई तो कांग्रेस के सिपाही को छोड़ के दूसरे दल से बाहुबलियों को लाकर टिकट देने का प्रयास किया। उसमें से तो कुछ मेरे पास हैं, कुछ किनारा चले गए। साधो यादव जिससे बिहार थरथराता था, रमाई राम जी, दसाई चौधरी जी, लवली आनंद जी, एक दर्जन से ज्यादा व्यक्ति को दूसरे दल से पार्टी में लाके टिकट दिया 2009 में। अनेक टिकट बेच लिए और कांग्रेसी वर्कर बेचारा देखते रह गए। पार्टी के नेता नाराज हुए और उनको विधानसभा चुनाव नहीं कराने दिए, बीच में ही हटा दिए। बावजूद अब तक उनको लगातार सम्मान पार्टी देते रही, लेकिन उनकी इच्छा थी कि हम राज्यसभा चल जाए। चुनाव लड़ने से डर लगता है अनिल शर्मा जी को, क्योंकि विधानसभा के टिकट जब पार्टी दी तो मात्र 3700 वोट आया, इसलिए वो राज्यसभा जाना चाह रहे थे, विधान परिषद में जाना चाह रहे थे, पैसे वाले राज्य के प्रभारी बनना चाह रहे थे। आज जब ये सब जगह उन्हें नहीं मिला तो देश की त्यागी महिला श्रीमती सोनिया गांधी जी पे आरोप लगा रहे हैं। देश के त्यागी पुरुष जो अभी तक 10,000 किलोमीटर की यात्रा की है, 4,000 किलोमीटर पैदल और 6,000 किलोमीटर गाड़ी से, श्री राहुल गांधी जैसे व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं। वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पे आरोप लगा रहे हैं। और बिहार के नौजवानों की धड़कन, जिन्होंने अभी नौकरी देके अपना परचम लहराया है, तेजस्वी यादव पे आरोप लगा रहे हैं।
और पार्टी से त्याग पत्र दे रहे हैं। वो गद्दारी तो पहले से पार्टी में कर रहे थे, क्योंकि महीनों से वो कोप भवन में थे। अब भाजपा के डर, सत्ता का संघर्ष नहीं, सत्ता का लोभ, कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र देके मुझे लगता है कि वो भी नरेंद्र मोदी के गोद में चले जाएंगे। तो ऐसे गद्दार रणछोड़ सिंह की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी में नहीं थी। तो आपने सुना, जहां एक तरफ अनिल शर्मा ने कहा नाराजगी पप्पू यादव को लेकर है, पप्पू यादव का महिमा मंडल हो रहा है कांग्रेस में जो कहीं से स्वीकार नहीं है, वहीं राजेश राठौर जो कि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं, जमकर उन्होंने सुनाया है, डरपोक सिपाही बताया है, कहा है कि एक डरपोक सिपाही थे पार्टी के जो पार्टी में फिलहाल अब नहीं है क्योंकि अनिल शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, रणछोड़ सिंह नाम रख दिया है राजेश राठौर ने अनिल शर्मा को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।